नमस्कार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, एंड में आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों कल हिमाचल प्रदेश में बहुत बुरा दिन रहा। कल हिमाचल प्रदेश में 7 नए संक्रमित मामले मिले, जिसमें से अगर हम बात करें तो दिल्ली से 4 मई को अपने घर पांवटा साहिब लौटी 30 वर्षीय महिला शामिल है। वहीं 7 वर्षीय उसकी बेटी कांगड़ा जिले के घुरकड़ी में मुंबई से 9 मई को लौटी 24 वर्षीय महिला और शीला चौक निवासी 57 वर्षीय महिला शामिल है। ठीक है दोस्तों, सिरमौर के पांवटा साहिब में महिला अपने मायके दिल्ली से पति और 2 बच्चों के साथ वापस पांवटा लौटी थी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो हमीरपुर में भी एक संक्रमित पाया गया मामला। ठीक है दोस्तों, हमीरपुर के ग्राम पंचायत कक्कड़ के सिरी गांव में 50 वर्षीय व्यक्ति भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने इसकी पुष्टि की है। ठीक है दोस्तों, और 12 मई 2020 को सामने आए सुजानपुर मंडल के बजरोल गांव के 50 वर्षीय संक्रमित व्यक्ति का नजदीकी रिश्तेदार है ये। दोस्तों देखिए किस तरह से ये कॉन्टेक्ट जो हो रहे हैं उसी की वजह से ये प्राइमरी कॉन्टेक्ट जो आ रहे हैं वो भी पॉजिटिव आ रहे हैं। और अगर हम बात करें सक्रिय मामलों की तो हिमाचल प्रदेश में अब 33 सक्रिय मामले हो चुके हैं। एक्टिव केसेस अब 33 हैं और टोटल की बात करें तो 74 जो है टोटल संक्रमित हो चुके हैं। तो दोस्तों ये रही कोरोना स्टेटस रिपोर्ट। वहीं चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में अब 8.68 लाख किसानों और बागवानों को बड़ी राहत मिली है। बड़ी राहत क्या है दोस्तों, चलिए विस्तार से जानते हैं। आप लोगों के लिए भी जानना जरूरी है क्योंकि हिमाचल एक कह सकते हैं कि एप्पल स्टेट है, तो बागवानों को जानना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, प्रदेश के सभी किसान इसका लाभ ले सकते हैं। प्रदेश में अधिकतर जो रहेगा लघु और मध्यम वर्ग से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जानते हैं पूरी खबर को। हिमाचल के 8.68 लाख किसान क्रेडिट कार्ड धारक याद रखिए किसानों और बागवानों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार की ओर से किसानों के लिए भी अनेक प्रोत्साहन घोषित किए गए हैं, जिनमें किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आसान ऋण उपलब्ध करवाना है। उन्होंने यह भी कहा कि ऋण मछुआरों एवं पशुपालकों को भी उन्हीं शर्तों पर उपलब्ध करवाया जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हो अब इसमें क्या होगा कि रबी फसलों की कटाई होने के बाद कार्यों के लिए सभी छोटे व मझले जो किसान होते थे नाबार्ड के माध्यम से आपातकालीन जो उनको इमरजेंसी कार्यशील पूंजी फंड उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या कुछ रहेगा, ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है कि जो भी किसान लघु और मध्यम वर्ग से संबंध है, यह कार्य प्रदेश के सहकारी बैंकों व क्षेत्र ग्रामीण बैंकों के माध्यम से किया जाएगा। उनको इमरजेंसी फंड उपलब्ध कराया जाएगा अगर उनकी आपातकालीन स्थिति में उनकी फसल बर्बाद होती है या जो कुछ भी उसमें रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ प्रावधान किए गए हैं जिसमें कि काफी अच्छे से मैंने आपको भी बताया है। ठीक है, और दोस्तों चलिए जान लेते हैं अब स्कूल के बारे में, जिसके बात मैं कर रहा था। ठीक है, स्कूल के बारे में जो मैं आपको बता दूं कि सरकार की मनाही के बावजूद फीस मांग रहे निजी स्कूलों पर अब कार्रवाई होगी। ठीक है दोस्तों, निजी स्कूल जो दोस्तों प्राइवेट स्कूल अगर फीस मांगते हैं, ठीक है, तो उन पर अब कार्रवाई होगी। ठीक है, और दोस्तों इस अब फीस कम करने को फैसला जो है वो जल्द ही लिया जा सकता है। ठीक है, इसमें मंत्रिमंडल में जो बैठक हुई कल, मंत्रिमंडल की आपको पता है कि दोबारा से बैठक हुई और उसमें ये फैसला लिया गया कि जो निजी स्कूल की फीस है वो कम की जा सकती है, परंतु अभी जो है वो निजी स्कूल फीस नहीं मांग सकते। ठीक है, निजी स्कूल अभी फीस नहीं मांग सकते, अगर ऐसा करते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। तो दोस्तों अभी फिलहाल के लिए तो फीस नहीं मांग सकते, पर जल्द ही फैसला होगा फीस जो है तो कम करने को भी लेकर। ठीक है, वहीं बात करते हैं दोस्तों हम हिमाचल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर, बसेस पर, तो वो भी अभी फैसला होगा और उसी के आधार पर जो है तो स्कूलों के खुलने का भी फैसला किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी उसी टाइम जो है स्कूल खोले जाएंगे, ये कहना है शिक्षा मंत्री का। ठीक है, हिमाचल प्रदेश शिक्षा मंत्री का कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगा तभी जो है स्कूलों को खोला जाएगा। अब इसके लिए कब तक जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोला जाएगा वो देखना अहम होगा हमारे लिए भी कि कब तक जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी खोला जाएगा और स्कूल जो है तभी खोला जाएगा। परंतु दोस्तों इसमें एक योजना है कि जून से 20 बच्चों से कम संख्या वाले प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे। ठीक है, तो आप यार कि जून से 20 से कम बच्चे जिस स्कूल में है वो खोले जा सकते हैं, ये योजना बनाई गई है। फिलहाल के लिए योजना अप्लाई होती है या नहीं होती, लागू होती है ना होती है, ये देखना
महत्वपूर्ण इसमें रहेगा। और विद्यार्थियों की अधिक संख्या वाले स्कूलों में सामाजिक दूरी बनाए रखने को, एक दिन छोड़कर कक्षाएं शुरू करने या सुबह और शाम की शिफ्ट में भी स्कूल खोलने की योजना है। इसके अलावा स्कूल खोलने पर प्रार्थना सभा नहीं होगी, फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाने वाली खेल गतिविधियां नहीं होंगी। शिक्षा विभाग के इसी एग्जिट प्लान से कैबिनेट को अवगत करवा दिया है। अब केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद फैसला लिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी महत्वपूर्ण अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।